पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भारतीयों का जयपुर में विशाल प्रदर्शन। पुलिस लाठी चार्ज में काफी कार्यकर्ता एवं महिला कार्यकर्ता गंभीर जख्मी। रीट पेपर लीक मामले के तार स्वयं मुख्यमंत्री से जुड़े हैं। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और युवाओं को न्याय देने के लिए मामले की जांच सीबीआई को सौंपे। पूनिया डॉक्टर सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, घनश्याम तिवाड़ी ने सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचकर कार्यकर्ताओं की कुशलक्षेम पूछी। रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर 8 फरवरी को पार्टी के सभी विधायक महात्मा गांधी सर्किल पर देंगे धरना। मुखरता से विधानसभा में भी मुद्दा उठाएंगे। पूनिया भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के आह्वान पर एवं युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हजारों युवा मोर्चा कार्यकर्ता भाजपा प्रदेश कार्यालय पर एकत्रित हुए, जहां से कूदकर रैली के रूप में मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए निकले। इस दौरान सिविल लाइन फाटक से पहले ही कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया। लाठी चार्ज में अनेक महिला कार्यकर्ताओं तथा युवा मोर्चा पदाधिकारियों की चोटें आई हैं। प्रदर्शन में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर पूनिया सभी बैरिकेड्स लांघकर मुख्यमंत्री निवास की तरफ पूछकर आगे बढ़े। इस दौरान सिविल लाइन फाटक पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया। वाटर कैनन द्वारा कार्यकर्ताओं को धकेलने का प्रयास किया। इसके बावजूद कार्यकर्ता कई घंटों तक संघर्ष कर प्रदर्शन में डटे रहे। गहलोत सरकार ने पुलिस का दुरुपयोग कर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा, मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पाठ, विपुल शर्मा इत्यादि सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जबरन गिरफ्तार कर झोटवाड़ा थाने ले जाया गया, जहां काफी देर तक धरना दिया गया। डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री घनश्याम तिवाड़ी ने सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचकर घायल कार्यकर्ताओं की कुशलक्षेम पूछी और चिकित्सकों को बेहतर इलाज करने के लिए निर्देशित किया। डॉक्टर पूनिया ने युवा मोर्चा प्रदर्शन रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गहलोत सरकार भ्रष्ट है, जिसके संरक्षण में नकल गिरोह पेपर लीक कर सरकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहा है। रीट पेपर लीक मामले में राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े लोगों से होते हुए तार स्वयं मुख्यमंत्री